हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम कड़ा प्रसाद बना रहे हैं। उसके लिए एक कटोरी घी तो एक कटोरी आटा हम इसी कटोरी में ही डाल के बनाएंगे। एक कटोरी घी, घी से हमारा कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनता है। और इसी में हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, इसी में हम ड्राई फ्रूट डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा आटा प्रसाद, काढ़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को मेरे रेसिपी, किसी भी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे रेसिपी को जो जिसको पसंद आता है तो आसपास बहुत से लोग मुझे ये बनाओ सिखाओ, ये बनाओ सिखाओ बहुत लोग बोलते हैं। और मेरी रेसिपी आप लोग को भी पसंद आता है तो हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारा घी गरम हो गया, इसी में हम ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसी में ही हम आटा डालेंगे। जितना ये घी डाले थे उसी कटोरी में ही हम ये आटा डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसी में ही हम ये आटा को भूनेंगे। धीमी आंच में इसको भूनना पड़ता है। और इसी में ही हम शक्कर भी 1 कप डालेंगे। इसी में ही हम शक्कर डालेंगे। ये हमारा कड़ा प्रसाद रेडी। ऊपर से थोड़ा सा और घी डाल देते हैं। इसमें जितना घी पड़ता है उतना ही अच्छा लगता है। ये हमारा अच्छी तरीके से भूंजा भी गया आटा। इसी कटोरी में एक कटोरी घी, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी पानी इतने ही मिलाते हैं। और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। ये हमारा बन के रेडी। अब ये देखिए, बर्तन को छोड़ दिया। ये देखिए और बहुत स्वाद बनता। सबसे पहले हम भगवान को लेके चढ़ाएंगे। ये देखिए, ज्यादा समय लगता ही नहीं है, बहुत टेस्टी लगता, बहुत स्वाद बनता है। ये देखिए ये हमारी कड़ा प्रसाद रेडी। ये देखिए ड्राई फ्रूट के साथ। ये देखिए, हाथ में छूने से घी सिर्फ दिखता है। ये अच्छा से भुंजाया और अच्छा से मतलब बन भी गया। बहुत जल्दी बनता है हमारा कड़ा प्रसाद। हमारा चैनल को पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कोई हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट कीजिए।